माफिया पर लगातार एक्शन पर क्या कहना है यूपी के डिप्टी सीएम का और रामगोपाल यादव ने अतीक के बेटे पर ऐसा क्या बयान दिया है, आइए आपको दिखाते हैं। अभी तो अदालत और पुलिस का विषय है और हम लाइन ऑर्डर मेंटेन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक व्यक्ति जो अपराध में वांछित है, अपराध को कारित किया है, उसे छोड़ा नहीं जाएगा, कानून के तहत कड़ी सजा मिलेगी। जब असल आरोपी नहीं मिल रहे हैं तो दबाव ऊपर से है कि मारो, तो जो पकड़ में आ जाएगा उसे मारें। अभी तो अतीक के लड़के को पकड़ ले गए पहले ही दिन, दो लड़कों को पढ़ते पढ़ने वाले, उनमें से एक की हत्या हो जाएगी एक आध दिन में, आप देखिए। जबकि संविधान हमारा आदमी को जीवन के अधिकार का मौलिक अधिकार देता है, किसी के जीवन को आप ले नहीं सकते विध सम्मत तरीके के अलावा, और कोई रास्ता नहीं। सीधे पुलिस से एनकाउंटर हो, कोई मारा जाए, मारा जा सकता है, लेकिन पुलिस पकड़ ले उसके बाद एनकाउंटर करे, ये तो दंडनीय अपराध है। ये पुलिस की कार्रवाई है, ये पुलिस की कार्रवाई में कोई सरकार के किसी मिनिस्टर को बयान देना इस प्रकार की कोई, वो एक प्रोसीडिंग होगी, मैं नहीं जानता हूँ क्या है। कोई लाने का अगर कोई मामला होगा पुलिस की जांच की दृष्टि से आवश्यक होगा तो वो लाएंगे, पूछताछ करेंगे, कानून के हिसाब से जो जरूरी है वो कार्रवाई करेंगे। उस पर मुझे लगता है कि हम लोगों के स्तर से कोई बयानबाजी उचित नहीं। तो इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है और वहीं प्रशासन की ओर से अतीक अहमद के बेटों को लेकर कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। नीतीश, हमने आपकी रिपोर्ट देखी, वहां जो मौजूद हैं कर्मचारी वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जाहिर सी बात है निचले स्तर के कर्मचारी हैं, कुछ भी बोलना नहीं चाहेंगे। क्या अधिकारियों की ओर से कोई जानकारी दी गई है कि अतीक अहमद के बेटे उसी बाल सुधार गृह में हैं या नहीं? देखिए, अगर अधिकारियों की बात करेंगे तो अधिकारी इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अधिकारियों के साथ कर्मचारी भी बचते हुए नजर आ रहे हैं और कर्मचारी तो भयभीत हैं। अगर कैमरे के पीछे अगर जो बात कह रहे हैं वो साफ तौर पर यह इंगित कर रही है, ये दर्शा रही है कि जो कर्मचारी हैं वो भयभीत नजर आ रहे हैं कि अगर बोला तो अधिकारी तंत्र नहीं छोड़ेगा, इसके साथ ही अगर कुछ गलत बोला तो माफिया की नजर में आ जाएंगे, ये डर उनमें साफ तौर पर देखने को मिला है। अब बात इस पूरे तंत्र की बात कर लें तो यहाँ जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई पर राजनीति कहीं ना कहीं गर्म होती नजर आ रही है, लेकिन अधिकारी तंत्र इस गर्म राजनीति के बीच कुछ भी बोलने से साफ तौर पर बचता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना यह होगा कि अतीक के जो बेटे हैं, जो दो बेटे हैं, रहस्यमयी तौर पर कहीं ना कहीं बाल सुधार गृह में है या नहीं है। ये बड़ा सवाल है। नीतीश, आप हमारे साथ बने रहे। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों की तलाश हरियाणा कोलकाता से लेकर नेपाल तक की जा रही है, वहीं कई अहम सुराग प्रयागराज के मुस्लिम हॉस्टल से भी मिलने की उम्मीद है, जिसके कमरे में बैठकर इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची गई थी। प्रयागराज शूटआउट और कमरा नंबर 36। मुस्लिम हॉस्टल में छिपे बड़े राज। उमेश पाल हत्याकांड में जहां एक तरफ एसटीएफ हर सिरा जोड़ने में लगी है, शूटर्स की जांच की जा रही है, वहीं इस पूरे हत्याकांड में अहम कड़ियां प्रयागराज के इस मुस्लिम हॉस्टल से भी जुड़ी हैं। आरोपों के मुताबिक प्रयागराज के इसी हॉस्टल में उमेश पाल की हत्या की साजिश रची गई थी, जिसके बाद पुलिस ने इसे सील कर दिया था। प्रयागराज विश्वविद्यालय का मुस्लिम हॉस्टल और ये हॉस्टल अब सील कर दिया गया है। आप देखें यहाँ पर ये जो ताला है इसको सील कर दिया गया है और यही वो हॉस्टल है जहाँ पर प्रयागराज हत्याकांड की पूरी साजिश रची गई और यहाँ पे ये नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर यह लिखा है कि अब यह हॉस्टल पूरी तरह से खाली कर दिया जाए और ईद तक यह हॉस्टल बंद रहेगा। अगर बात करें तो इस पूरे हत्या के षड्यंत्रकारी के रूप में सदाकत का नाम सामने आया, जो इस हॉस्टल में अवैध रूप से रहता था।
हत्याकांड का मास्टरमाइंड सदाकत मुस्लिम हॉस्टल के 36 नंबर कमरे में रहता था। आरोप है कि यहीं पर गुड्डू मुस्लिम और अतीक अहमद के बेटे असद ने अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर उमेश पाल की हत्या का प्लान बनाया था, लिहाजा पुलिस ने पहले तो 36 नंबर कमरे को सील किया जिसमें सदाकत अवैध तरीके से रहता था और इसके बाद हॉस्टल से छात्रों को निकालकर सभी 107 कमरों को भी सील कर दिया गया। जफर सुपारी का छोटा भाई खान मुबारक भी इस विश्वविद्यालय के इसी हॉस्टल में रहता था और अवैध रूप से रहता था, तो इस हॉस्टल को अब खाली करा दिया गया है और यह हॉस्टल सील कर दिया गया है। अब यहाँ पर किसी भी छात्र को रहना नहीं है, साफ तौर पे ये आदेश है, नोटिस चस्पा है और इसके साथ ही इस विश्वविद्यालय का यह हॉस्टल जब अवैध रूप से रहने वाले माफिया तंत्र से जुड़े हुए लोगों की पनाह का केंद्र बना था, तो बड़े सवाल ये हैं कि इस विश्वविद्यालय के जो आला अधिकारी हैं क्या उन्हें ये खबर नहीं थी, आखिर वो अनजान थे या अनजान बने हुए थे। पुलिस अब इस मुस्लिम हॉस्टल से जुड़े राज खंगालने में जुटी है। वहीं अतीक के बेटे को लेकर भी कई सवालों के जवाब तलाशने में पुलिस लगी है जिसके लिए 6 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो रही है। वहीं असद की तलाश हरियाणा पंजाब के अलावा नेपाल में भी की जा रही है जहां एसटीएफ की टीम पहुंच गई है। शूटर गुड्डू मुस्लिम और गुलाम के भी नेपाल में होने की सूचना पुलिस को मिली थी। वहीं सूत्रों के मुताबिक हत्याकांड में असद को पहले सिर्फ कार के अंदर बिठाए रखने का प्लान था लेकिन गोलियां लगने के बाद भी उमेश के बचने के बाद असद को गाड़ी से उतरना पड़ा। यूपी पुलिस पहले ही साफ कर चुकी है कि इस हत्याकांड से जुड़े एक एक अपराधी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि इस जघन्य हत्याकांड में जो भी व्यक्ति शामिल रहा है उसको कानून के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं और हमारी सारी टीमें लगी हुई हैं। ये अभियुक्त जहां भी होंगे हम उनको गिरफ्तार करेंगे। वहीं माफिया अतीक के करीबी व्यापारियों की भी पीडीए और पुलिस की संयुक्त टीम ने लिस्ट बनाई है जिसमें कई बड़े बिल्डर और कॉन्ट्रैक्टर शामिल हैं और अब इनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी की गई है। प्रयागराज से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Z News.